एपिसोड के शुरू में येचन बुड्ढे के डाया बाया को खत्म कर देता है एक ही झटके में, जो देखकर वो कहता है अरे वाह, ये बच्चा तो एक सांस में दो नेदर वॉइड रियल्म सेवन लेयर को खत्म कर दिया, ये तो ऑसम है। तभी एल्डर वु चेंगकिंग वो देखकर डर के मारे कहता है कौन है, क्या कोई क्वाशी हेवन रियल्म का मॉन्क है? और तभी ओल्ड मैन कहता है अरे तूने दो को खत्म कर दिया, इसे हम मार दे गया। उतने में एक धासु एंट्री के साथ येचन कहता है ना कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसे मैं ही मारूंगा। चाह ओल्ड मैन और वो कहता है तो फिर हमें क्यों बुलाया? चाह येचन कहता है इंजॉय करो शो को। और तभी वो चेंगकिंग येचन को देखकर कहता है स्प्रिट वॉइड रियल्म होके दो नेदर वॉइड रियल्म सेवेंथ लेयर को मार डाला। और फिर वो येचन को कहता है देख तेरे मेरे बीच कोई ग्रजेस नहीं है, तो हम क्यों लड़ रहे हैं और तुम क्यों ही लड़ना चाह रहे हो? तभी येचन कहता है क्या सच में कोई ग्रजेस नहीं है? और फिर वो मास्क ओपन करके कहता है डॉक आई ओपन करके देखो और फिर कहो कोई ग्रजेस है कि नहीं। तभी बुड्ढा डर के मारे कहता है येचन ये नामुमकिन है, कौन हो तुम? वो क्लियरली मर गया था। चाहे येचन कहता है आपको अभी भी ब्लैक मार्केट ऑक्शन के बारे में याद तो होगा, और शायद तभी भी आपको मालूम नहीं था जो पर्सन आपके खिलाफ था वो मैं ही हूँ, और इस बार भी मुझे पता था आप जिस पर बीट लगा रहे तो उसमें कुछ नहीं था, तो 2 मिलियन से ज्यादा उड़ा के आपको मजा आया? चाह वो चेंगकिंग कहता है तुम थे वो? जहाँ येचन कहता है हाँ मैं ही था वो। और उतने में येचन का टायरेंट शॉट देखकर वो डर जाता है और कहता है पास्ट में वो सेक्ट का डिसीजन था तुम्हें बाहर निकलने का, और अगर तुम्हें रिवेंज चाहिए तो तुम सेक्ट मास्टर को ढूंढ सकते हो, मुझे तो बस उनके इशारे में चलना पड़ता था, तो तुम क्या कहते हो? चाहे येचन कहता है सेक्ट से बाहर होने से मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोगों ने मेरे अपने लोगों के ऊपर जो जुर्म किया जिनके मैं सबसे ज्यादा परवाह करता हूँ, तो उस पाप के लिए तुम्हें मरना होगा। जहाँ वो चेंगकिंग डर के मारे कहता है क्या ये बात मुझसे रिलेटेड है, क्योंकि मैं तो तुम्हारे किसी अपने को हार्म नहीं किया। चाहे येचन कहता है क्या विलेन के मेमोरी इतने कमजोर होते हैं? और फिर ओल्ड मैन मुझे गधा बनाने की कोशिश कर रहा है। और फिर येचन गुस्से से बुड्ढे को याद दिलाता है इन जीपिंग मेरे डिसाइपल को मार डाला और मुझे इतना उकसाया कि मैं कब डिमोनाइज हो गया था मुझे पता ही नहीं चला, और अभी तुम लोग ये कहने की जुर्रत कर रहे हो आपको इस बारे में पता नहीं था। और फिर येचन कहता है मैं यानी येचन सचमुच फेमस हूँ, जो थ्री मेजर सेक और साउथ चू के बहुत से नोबेल फैमिलीज यूनाइटेड हुआ था मुझे मारने के लिए। और तभी वो कहता है ओल्ड मैन आपको लगता नहीं वो आज कुछ ज्यादा ही हंस रहे हैं, क्योंकि वो तभी बहुत एविल वे से हंस रहा था। जब ओल्ड मैन कहता है हाँ मैंने उसे इतना हंसते हुए कभी नहीं देखा, और उतने में हमें उसका फोरहेड पर डिमन मार्क एपीयर होता हुआ नजर आते हैं और सबको याद करके कहता है क्या सबने मुझे डिमन नहीं बोला था, तो आज मैं तुम्हें एक डिमन बन के ही मारूंगा। तभी बुड्ढा असलियत कहता है कि जब तुम्हें सब पता ही है तो तुम्हें आज मरना ही पड़ेगा, और वो अटैक कर देता है येचन पर। उतने में येचन पागलों की तरह चिल्ला के बुड्ढे को कहता है मर जाके, जो देखकर वो और ओल्ड मैन डर जाते हैं, और वो कहता है शिट ये तो सोल अटैक है, और अगर मेरे ऊपर वो इस तरह चिल्लाता तो मैं अचानक बेहोश हो जाता, और ये इंसान है कि मॉन्स्टर। और उतने में उसका रूप देखकर नानमिंग कहते हैं इस कल्टिवेशन बेस के साथ ये कॉम्बेट पावर है, और अभी मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, मैं और तुम मिलके मिस्टीरियस स्प्रिट को मार सकते हैं, यानी खेल अभी शुरू होने वाला है, ये बस ट्रेलर है। और खैर आगे नानमिंग कहती है और होस्ट बैटल को भी हम मैच कर पाएंगे, वो भी 90% के साथ। और उतने में येचन बुड्ढे को घुटनों पे लाते हैं। चा ओल्ड मैन वु चेंगकिंग कहता है यंग मास्टर ये हीरो ये ग्रैंडपा ये मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, और मैं वो सब कुछ एक कुत्ते की तरह करूंगा तुम्हारे लिए जो तुम करने बोलो मुझे, अगर तुम मुझे माफ करते हो तो। उतने में येचन उसे मार के कहता है तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो और तुम पास नहीं हुए हो इन सब बातों कह के। और तभी वो आके कहता है बॉय हमारे बीच बात हुआ था सब मिलके करने की, लेकिन तुम सबको अकेला ही मार दिया। चाहे येचन कहता है बार बार इस बात को याद मत दिलाओ, जो चाहिए उनसे ले लो, जो सुन के वो कहता है ब्रदर तुम तो बेस्ट हो। और तभी वहाँ नानमिंग पहुंच जाती है और उसे देखकर ओल्ड मैन कहता है ये हसीना कौन है? तभी नानमिंग दोनों को मार के वहां से दफा करके कहती है आखिर तुम्हारा किस तरीके का फ्रेंड्स है जिन्हें देखते ही मुझे गुस्सा
गुस्सा अलग से आ जाती है। तभी दूर जाके गिरता हुआ ओल्ड मैन और वू सेनपाई को देखने मिलता है और दोनों शपथ लेते हैं, अगर हमने इस बात का बदला नहीं लिया तो हम इंसान ही नहीं है। तभी सीन चेंज होता है जहाँ नानमिंग और ये चैन शिवन माउंटेन के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं और नानमिंग येचन को कहती है, तुम यहाँ से ही प्रेशर को महसूस कर सकते हो कि ये कितना मिस्टीरियस है, तो चलो अंदर चलते हैं। चाहे येचन कहता है, क्यों ना मैं आपको बाहर से ही सपोर्ट कर दूं। तभी नानमिंग गुस्से से कहती है, क्या कहा, एक बार फिर से कहो। चाहे येचन कहता है, मैं कह रहा था जल्दी चलो, अंधेरा होने वाला है, जल्दी चलो नहीं तो हम फंस जाएंगे। और फिर येचन थोड़ी देर चलने के बाद कहता है, क्या ये हेवनली वेपन है। जहाँ नानमिंग कहती है, 5,000 साल पहले हुआ करता था, अभी बस नेदर पॉइंट वेपन है, क्योंकि सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि मिस्टीरियस पावर वेपन को भी सप्रेस कर रहा है। तभी ये चैन आयरन पॉट निकल कर कहता है, तब तो ये अजीब बात है, मैं खुद का इंश्योरेंस ऐड करता हूँ। जहाँ नानमिंग कहती है, तुम्हारा नटल स्प्रिट वेपन एक आयरन पॉट क्यों है। जहाँ गुस्सा होकर ये चैन कहता है, ये आयरन पॉट नहीं है, ये बिग कार्ल डॉर्न है, ठीक है। जहाँ नानमिंग कहती है, तुम्हारा पॉट तो इंटरेस्टिंग है। जहाँ फिर से वो गुस्सा होकर कहता है, बिग कार्ल डॉर्न, बिग कार्ल डॉन, सुनाई नहीं देता क्या। और फिर नानमिंग हैरान होकर मन ही मन सोचती है, सचमुच मैं हेवन की उलझी हुई डाव को सुन पा रहा हूँ आयरन बिग पॉट से। और फिर वो ये चैन को कहती है, हेवनली वेपन के प्रोटेक्शन के साथ हम बिल्कुल ठीक है। और कुछ देर चलने के बाद नानमिंग कहती है, आप केओटिक वक्त हो गया तो तुम्हारा इमोर्टल व्हील आई ओपन करो। तभी वो आई ओपन करके कुछ चीजों को देख कर डर जाता है। जहाँ नानमिंग कहती है, कुछ अजीब चीजें देख लिए हो क्या तुमने। जहाँ ये चैन कहते हैं, मैंने बहुत से अजीब चीजों को देखा और इमोर्टल व्हील आई का क्षमता भी लिमिटेड है यहाँ पे। और फिर आगे ये चैन नानमिंग को कहता है, क्या स्टोन का आई तुम्हें एम्परर शुआन के कुछ पता दिया है। तभी नानमिंग कहती है, उसने शिवान माउंटेन के सेंटर पर जाने कहा बस। जहाँ तभी ये चैन कहता है, ठीक है तो तुम लीड करो, मैं तुम्हें इमोर्टल व्हील आई के मदद से बाकी चीजों से आगाह करता हूँ, यानी गाइड। और फिर उनका जर्नी शुरू होता है जहाँ वो लोग इमोर्टल व्हील आई के मदद से हर एक कदम फूक फूक के रख के आगे बढ़ता है। चाहे ये चैन को बहुत डरावनी चीज़ों से लेकर कीमती और खूबसूरत चीज़ों भी दिखाई देते हैं। और वैसे चलते चलते वो दोनों एक जगह पहुंच जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत ह्यूज ड्रैगन बोन दिखाई देते हैं और साथ ही उसका ब्लड भी। और वह ये चैन मन ही मन सोचता है, अगर इसे मैं यहाँ से ले जाऊँ तो ये प्राइसलेस ट्रेजर बन जाएगा। और फिर वो लॉर्ड को कहता है, आप बता सकते हो ये किस टाइम का है। लेकिन उतने में वहाँ डिजर्ट का सिचुएशन शुरू होता है, यानी उनसे पूरे तरह कनेक्शन कट जाते हैं। और उसके बाद उसका आँख एक बड़े से शॉट पर पड़ता है जो देखकर नानमिंग इमोशनल होती है। चाहे ये चैन कहता है, आप क्या हुआ जो आप मुझे ये लेने भी नहीं दे रहे हो। चाहे नानमिंग इमोशनल होके कहती है, ये मेरे पापा का शॉट है। और फिर नानमिंग शॉर्ट को छू के रोना शुरू कर देती है, कहती है, फादर एम्परर में 5,000 साल तक सोया रहा और जब मैं उठा तो देखा हेवन मेरे सारे दोस्त और रिलेटिव्स को उठा लिया, लेकिन ये शॉर्ट अभी भी यहाँ पे है। चाहे ये चैन कहता है, शॉर्ट पे अभी भी खून है, क्या इसका मतलब उन्होंने बहुत खतरनाक मॉन्स्टर को मारा होगा। चाहे नानमिंग कहती है, बिल्कुल हो सकता है। और फिर वो शॉर्ट उठा के कहती है, फादर एम्परर अपने शॉर्ट को कभी नहीं छोड़ता, लेकिन उनके शॉर्ट यहाँ है तो वो जरूर बहुत ही खतरनाक कुछ चीजों को हंट किया होगा। और उतने में जमीन पर ये चैन आदमी का फुटप्रिंट नोटिस कर लेता है, जिन्हें देखकर नानमिंग कहती है, ये फादर एम्परर का हो सकता है। और फिर वो इमोशनल होके आगे की ओर बढ़ने लगती है। चाहे ये चैन उसे पकड़ लेता है और कहता है, ये फुटप्रिंट 4 से 5 साल पुराना है और तुम्हें पता है तुम्हारा पापा कितने एंशियंट टाइम में आए हुए थे। और हालांकि वह हेवनली स्प्रिट वेपन था बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन यह आना इम्पॉसिबल है। तभी नानमिंग कहती है, यह आना इम्पॉसिबल है बिना इमोर्टल व्हील आई के। चाहे ये चैन कहता है, क्या फिर उनके पास भी व्हील आई के तरह आंखें थे। और उतने में नानमिंग सामने किसी को देखकर कहती है, फादर एम्परर क्या वो आप हो। चाहे ये चैन उसे रोकने के लिए बहुत कोशिश करता है बट नानमिंग आगे चलते ही जाती है। चाहे तभी ये चैन एक पर्सन को देखकर कहता है, वो एक पर्सन है। चाहे नानमिंग कहती है, वो मेरे पापा हो सकता है। तभी
येचन उसे सलाह देता है कि अगर वो आपके पापा हुआ तो आपको शांति से सारे चीजें हैंडल करना होगा। चाह नानमिंग कहती है, कहना क्या चाहते हो? तभी येचन कहता है वो एक डेड पर्सन है, जो सुन के नानमिंग बहुत ही दुखी होती है और वो आगे जाने लगती है रोते हुए। चाह येचन उसे काम डाउन करने की बहुत कोशिश करता है बट वो नहीं मानती, लेकिन तभी वो डेड पर्सन को देख कर कहती है ये मेरे पापा नहीं है। चाह येचन कहता है हाय मेरा तो हार्टबीट बहुत ही तेज हो गया था, खैर आपके पापा ये नहीं है तो चीजों को हैंडल करना आसान होगा। लेकिन उतने में वो डेड पर्सन को देखकर हैरान होता है और कहता है अंडेड जनरल। तभी नानमिंग उसे पूछती है क्या तुम अंडेड जनरल को पहचानते हो? जहां येचन पूछता है तुम्हें कैसे पता उसके बारे में? जहां नानमिंग कहती है अंडेड जनरल आज से 6-7 हजार साल पुराना है और फॉलन किंग ने पास्ट में एक एवेल सीक्रेट टेक्निक को इन्वेंट किया जिससे डेड बॉडी को कंट्रोल किया जा सकता था। चाहे येचन कहता है फॉलन किंग इसके बारे में तो कभी नहीं सुना। जहां नानमिंग कहती है फॉलन किंग के बारे में नहीं सुना तो क्या हुआ, किंग ऑफ वार के बारे में तो सुने ही हो। चाहे येचन मन ही मन सोचता है ग्रेट चू के हिस्टोरी में ये नाम एम्परर शुआन से जरा भी कम नहीं है और वो फिर सोचता है कहा जाता है उसने ग्रेट चू को यूनाइटेड करके रखा था। और फिर वो नानमिंग को कहता है हाँ मैंने बिल्कुल किंग ऑफ वार के बारे में सुना, लेकिन किंग ऑफ वार ज्यादा पुराना है या फिर आपके फादर एम्परर? जहां नानमिंग कहती है ऑफ कोर्स किंग ऑफ वार वो मेरे फादर एम्परर से 2000 साल ओल्ड था और वो ही सबसे खतरनाक एम्परर था उस टाइम ग्रेट चू में। और फिर नानमिंग उसे आगे कहती है तुमने तो 9 प्रोफाउंड वार हेवनली सैक के बारे में सुना होगा जो कि किंग ऑफ वार ने क्रिएट किया, लेकिन उनके डेथ के बाद 9 प्रोफाउंड वार हेवनली सैक गिर गया और उसके बाद ग्रेट चू हजारों सालों तक संघर्ष करता रहा। जब तक मेरे फादर एम्परर ने चू को एकत्रित नहीं किया तब तक हजारों सालों से चली आ रही तबाही खत्म नहीं हुई थी। चाहे येचन कहता है किंग ऑफ वार और फॉलन किंग के बीच लिंक क्या है? तभी नानमिंग कहती है आज से 7000 साल पहले फॉलन किंग और किंग ऑफ वार दोनों अपने क्वाशी एम्परर रियल्म के पीक पर थे और दोनों ही एम्परर रियल्म के बहुत करीब थे और उस एरा का एम्परर बनने के लिए, लेकिन तभी फॉलन किंग ने उस टाइम का बहुत पावरफुल एंशियन कॉर्प्स को मैनिपुलेट किया और किंग ऑफ वार को फोर्स किया चू के बॉर्डर लाइन छोड़ने के लिए। लेकिन इसी कारण किंग ऑफ वार को इंस्पायरेशन मिला ब्लड लाइन अवेकनिंग करने के लिए और फिर वो फॉलन के आगे ही एम्परर बन गया था। और फिर फॉलन को मारा गया और उसने उसके बाद फिर से ग्रेट चू को यूनाइटेड किया और फिर फॉलन के एविल टेक्निक को फॉरबिडन करार कर दिया गया। जहां येचन कहता है बाप रे ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। और तभी नानमिंग कहती है मुझे पता है अंडेड जनरल कॉन्सेप्ट कॉमन चीजें नहीं है, लेकिन लिटिल बॉय तुम इसे कैसे जानते हो? चाहे येचन कहता है मैंने अंडेड जनरल को मार डाला और एक को मारने के लिए मैंने इमोर्टल फॉरबिडन टेक्निक का यूज किया जिसके कारण मैं भी ऑलमोस्ट मरने वाला था। चाहे तभी नानमिंग कहती है ये अजीब बात है क्योंकि इस एविल सीक्रेट मेथड को तो खो जाना चाहिए था तो अभी भी लोग कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? चाहे येचन कहता है मैं 80% श्योर हूँ ये काम जेंगयांग के कुत्तों का है क्योंकि उन लोगों ने मुझे मारने के लिए अंडेड जनरल भेजा था पक्का। और तभी नानमिंग कहती है क्या इसके मतलब जेंगयांग का आंखें भी इस माउंटेन पर है, नहीं तो वो लोग इसे यहाँ ना भेजते। जहां तभी येचन सोचता है लगता है कि इसका भी कनेक्शन टूट गया मेरे तरह लॉर्ड और बाकी क्लोन के जैसा। तभी नानमिंग उस अंडेड जनरल को मारने रेडी होती है उतने में येचन नानमिंग को रोक लेता है। जहां नानमिंग कहती है क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें इसे ठीक रखकर उस एविल सीक्रेट मेथड को सीखना है? चाहे येचन कहता है सिस्टर आज नहीं तो कल हमें जेंगयांग से लड़ना है तो मुझे इसके ऊपर थोड़ा स्टडी करना होगा। और फिर वो नानमिंग को आगे कहता है सिस्टर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, क्या वक्त आने पर आप मेरे मदद कर सकते हो फाइट में? चाहे नानमिंग कहते हैं क्या मैं स्ट्रांग हूँ? चाहे वो कहता है आप डैम स्ट्रांग हो क्वाशी एम्परर हेवन रियल से सप्रेस होने के बाद भी। चाहे नानमिंग कहती है तुम्हारे बातें तो बहुत स्वीट है सिस्टर को पसंद आया, लेकिन चूके बहुत से हीरो को तुम अंडर एस्टिमेट कर रहे हो जिन्हें मैं हरा नहीं पाऊंगा। जहां वो अंडेड जनरल को पोटली में घुसा कर कहता है तुम किसी को हरा ना पाओ यो मैं मान ही नहीं सकता। चाहे नानमिंग कहती है 5000 साल पहले मैं क्वाशी एम्परर रियल पर हुआ करता था, लेकिन आप क्वाशी हेवन रियल पर हूँ। तभी ये चैन पूछता है तो फिर कितने सारे है? जहां नानमिंग कहती है शॉर्ट एम्परर डुगुआ ब्लड थर्स्टी यान लो, उसके ऊपर शीशी के यान शुआन गोंग और फिर डोंगलिंग की झोटियान ई, बस यही है।
तभी ये चन कहता है, मैंने पहले चार के बारे में तो सुना, लेकिन ये झोटियानी का ओरिजिन क्या है? चाह नानमिंग कहती है उसका बैकग्राउंड बहुत ही ह्यूज है और वो इस एरा का बिल्कुल भी नहीं है, वो किंग ऑफ वार की एरा से भी ज़्यादा पुराना है और मेरा गैस है वो मेरे तरह भी सील था और इस एरा में जाग गया। और उसके ओरिजिन जानने के लिए तुम्हें किंग ऑफ वार के पहले का द ईस्टर्न एम्परर का ओरिजिन पता होना चाहिए, जो किंग ऑफ वार के पहले ग्रेट चू को यूनाइटेड किया था। चाह ये चन रिएक्ट करता है, एक और डीमन। चाह नानमिंग कहता है, क्या बोला तूने? चाह ये चन कहता है, क्या तुम्हें कुछ अजीब नॉइज सुनाई दे रहा है? चाह नानमिंग कहती है, नहीं। जहाँ ये चन कहता है, अजीब है, सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रहा है या फिर ये मेरा भ्रम है? और लेकिन उतने में स्टोन से तीन सर वाला छह हाथ वाला एक स्प्रिट अपीयर होता है, जो देखकर नानमिंग ये चन को केयरफुल होने कहती है और फिर उसके डैड के शॉर्ट से स्प्रिट को काटना शुरू कर देती है और कहती है, एविल स्प्रिट कहेगा। जहाँ उसके पावर्स देखकर ये चन हैरान होता है और पूछता है, ये एविल स्प्रिट क्या है? जहाँ नानमिंग कहती है, एविल स्प्रिट लोगों के नेगेटिव इमोशन थिंकिंग से पैदा होता है और स्ट्रेस नेगेटिव थिंकिंग इमोशन जितना ज्यादा होगा वो पर्सन का एविल स्प्रिट उतना ही खतरनाक होते हैं और इन्हें मारना बहुत ही मुश्किल है। और तभी ये चन एविल स्प्रिट को वापस से शेप पे आते हुए देखकर हैरान होता है और उतने में एविल स्प्रिट उनके ऊपर अटैक भी कर देता है। जहां नानमिंग एक पील निकल के वहां पे एक धमाका करता है जो कि उसका शायद एक सीक्रेट टेक्निक है, जो देखकर ये चन कहता है, ये तो गायब हो गया। लेकिन उतने में चारों ओर से एविल स्माइल उन्हें सुनाई देता है। जहाँ वो लोग हैरान होकर चारों ओर देखना शुरू करता है, जहाँ वो लोग देखते हैं वह एक नहीं बल्कि बहुत सारे एविल स्प्रिट हैं। जहाँ नानमिंग वो सिनेरियो देखकर कहती है, ये स्प्रिट हर जगह है, उनका सामना करना आसान नहीं होगा। तभी ये चन कहता है, एक इनविंसिबल हॉट व्हील का क्या ख्याल है? जहाँ प्यारी समझ गई, क्योंकि उतने में नानमिंग हवा में उछल पड़ती है। जहाँ ये चन हॉट नानमिंग को बहुत तेज पैर पकड़ के घुमाना शुरू करता है, जिसे वो हॉट व्हील बन जाते हैं, समझ रहे हो आप? उतने में नानमिंग उसकी सीक्रेट टेक्निक यूज करके कहती है, बदबूदार ब्रदर का आइडिया मदद कर रहा। और फिर वो अपने काम अंजाम देकर कहती है, ये अभी भी मुझे घुमा क्यों रहा है? और फिर गुस्सा होकर ये चन को जाने यानी छोड़ने कहता है, बट हमारे लौंडे का नजर कहीं और गया और कुछ और ही दिखाई दिया, वो कैसे घुमाना रोक देता। लेकिन तभी सीन चेंज होने पर नानमिंग उसे इतना धोया क्या ही बताऊं। जहां आगे वो कम मार पड़ने के लिए कहता है, मैंने वहां देखना नहीं चाहा। जहां मार के नानमिंग कहती है, साले पार्वट तू अच्छा इंसान नहीं है। जहां येचन फिर से कहता है, मेरा मतलब वो नहीं था। जहां फिर से नानमिंग कहती है, चुप हो जा। लेकिन उतने में अचानक नानमिंग के सामने एक ह्यूज स्प्रिट आके कहता है, मर अभी। तभी नानमिंग उसे स्लैश तो देता है बट वो मरता नहीं, क्योंकि आगे नानमिंग कहती है, साले शेप शिफ्टिंग घोस्ट कहेगा। लेकिन उतने में कांड होता है क्योंकि येचन का असलियत बाहर आता है, क्योंकि उतने में बहुत सारे उसका पर्वत गोस्ट उनके पीछे पर जाते हैं। चाहे ये चन उन्हें देखकर रोते हुए कहता है, लॉर्ड मैं तो पर्वत दिख रहा हूँ। चाहे नानमिंग कहती है, ना मेल अच्छे हैं ना ही उनके गोस्ट। तभी ये चन को घोस्ट अटैक करता है और उस अटैक के कारण वो एक केव में गिर जाता है, जिसे नानमिंग बहुत परेशान होती है। लेकिन उतने में ये चन केव को एक्सप्लोर करना शुरू करता है, जब वो एक ओल्ड मैन को देखता है और वहाँ एक इंसान देखकर वो शॉक्ड होता है। और तभी ओल्ड मैन उसे पास आने कहता है, जहाँ वो ओल्ड मैन को बातें करता हुआ देखकर कहता है, लोअर पार्ट फ्रीज होके रखा है। और तभी ओल्ड मैन कहता है, कौन हो तुम? जहाँ ये चन कहता है, मैं हूँ जूनियर ये चन, गलती से सीनियर के केव में गिर गया, मैं उम्मीद करता हूँ सीनियर इस गुनाह को माफ कर देगा। और फिर वो मनी मन सोचता है, बातें करने वक्त आखिर उनके घबराहट तेज क्यों हो जाती है। तभी ओल्ड मैन उसे कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो मास्टर? और फिर ओल्ड मैन एक्साइटेड होके उसे गले मिलने की कोशिश करता है और कहता है, मास्टर ये मैं हूँ हु जोंग। जहाँ ये चन रिएक्ट करता है, मास्टर हु जोंग ये कौन? फिर वो आगे कहता है, सीनियर मेरा नाम ये चन है और मैं आपका मास्टर नहीं हूँ ब्रो। तभी जो ओल्ड मैन कहता है वो कुछ बातें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्योंकि तभी ओल्ड मैन हैरान होकर कहता है, नामुमकिन, तुम एग्जैक्टली मेरे मास्टर की तरह दिख रहे हो और मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारा राइट आंख देखना है। तभी ये चन पास आता है बट ओल्ड मैन उसका आंख देखकर कहता है, नहीं तुम नहीं हो, मेरा मास्टर का राइट आई एक इमोर्टल आई है। चाहे ये चन उतने में ओल्ड मैन को पूछता है, क्या आप भी एंशियंट वार का एक
सर्वाइवर हो, यहाँ क्यों आए हो और उससे भी बड़ी बात आप कौन हो। तभी सीनियर कहता है, मैं ग्रेट चू से हूँ और 500 साल पहले मैंने यहाँ मास्टर को ढूंढने आया, लेकिन मेरा सामना एक बहुत ही खतरनाक एविल स्प्रिट से हुआ जिसे तो मैंने मार दिया, बट मैं भी ऑलमोस्ट मर ही गया था और फिर मैं इस स्टोन पर छुप गया और 500 साल से ऐसे ही मैं बैठा हुआ हूँ। तभी वो सुनकर ये चैन कहता है, वो सीनियर किसी को यहाँ ढूंढने आया था और ये जूनियर भी यहाँ किसी को ढूंढने ही आया है। चाह ओल्ड मैन कहता है, नहीं आना चाहिए था। चाह ये चैन कहता है, सीनियर ये जूनियर हेल्पलेस है, क्या सीनियर कुछ एडवाइस दे सकते है यहाँ से कैसे निकला जाए। तभी नानमिंग को स्प्रिट से बचते हुए देखने मिलता है और नानमिंग ये चैन को पुकार के कहती है, क्या तुम ठीक हो। तभी सीन चेंज होता है जहाँ ओल्ड मैन ये चैन को कहता है, शिवन माउंटेन वो जगह है जहाँ एंशियंट देवता रुइंस में लौट आते हैं और यह बहुत एविल और पावरफुल एविल स्प्रिट है और ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं मुकाबला कर सकता हूँ। जहाँ ये चैन कहता है, तो क्या मैं यहाँ मरने वाला हूँ। जहाँ सीनियर कहता है, ऐसा भी नहीं है क्योंकि एविल स्प्रिट सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग के ऊपर अटैक करता है, तो अगर तुम मरते हो तो यहाँ से भाग सकते हो। जहाँ हैरान होकर ये चैन कहता है, मरने के बाद कोई कैसे भाग सकते है। जहाँ सीनियर कहता है, मैं मदद कर सकता हूँ। एंड तभी सैड होकर ये चैन कहता है, लेकिन सीनियर आप। जहाँ सीनियर कहता है, हाँ मैं अभी मरने वाला हूँ, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है और मेरा डेथ क्यूआई के बैरियर से तुम बाहर जा सकते हो, लेकिन इससे तुम एविल स्प्रिट से ही बच सकते हो, लेकिन ये शिवन माउंटेन है जहाँ खौफनाक चीजों का कोई कमी नहीं है, सो तुम्हारा बचने का चांस सिर्फ और सिर्फ 10% है। तभी ये चैन कहता है, लेकिन सीनियर आप मुझे क्यों मदद कर रहे हो। जहाँ सीनियर कहता है, तुम अभी बहुत यंग हो तो तुम्हें अभी यहाँ मरना नहीं चाहिए, और लिटिल फ्रेंड भले ही तुम मेरा मास्टर नहीं हो लेकिन तुम एग्जैक्टली मेरे मास्टर की तरह दिखते हो, सो मरने से पहले मास्टर का चेहरा देखना, इससे अच्छी बात और मेरे साथ क्या हो सकता है, और मुझे अभी और कोई रिग्रेट नहीं है। उतने में ओल्ड मैन का बॉडी 80% स्टोन हो जाते, लेकिन फिर भी वो साँस बचा के ये चैन को कहता है, 500 साल बाद मुझे नहीं पता यांग होंग अभी भी वहाँ है कि नहीं। और फिर सीनियर आगे एक रिंग निकल कर कहता है, ये शुआन चैन जेट रिंग है और मेरे द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पास डाउन होता था, और इसे रख लो, इससे तुम 99th युआन हुआंग के होली मास्टर बनते हो। जहाँ ये चैन कहता है, सीनियर मैं कुछ समझा नहीं और मैं इसे कैसे रख लो। जहाँ आखिरी सांस लेते हुए आखिरी बार ओल्ड मैन कहता है, मेरे मरने से पहले तुम दिखाई दिए हो और तुम बिल्कुल मेरे मास्टर के तरह दिख रहे हो, और यही इसका कारण और इफेक्ट है। अगर तुम यहाँ से जिंदा जाने में सक्षम होते हो तो मेरे लिए एक काम करना, बस मेरे मास्टर से अगर कभी मिलते हो तो बस कहना, ये ओल्ड मैन यानी उनके डिसाइपल चोंग यान कभी भी उनके ऊपर गिव अप नहीं गया। उतने में ओल्ड मैन पूरे तरह स्टोन बन जाते हैं और ये चैन के ऊपर ओल्ड मैन का डेथ क्यूआई आ जाते हैं, और फिर वहां से बाहर आके वो कहता है, सिस्टर एविल स्प्रिट क्या हुआ। लेकिन उतने में वो आगे कुछ देखकर बहुत हैरान होता है, पता नहीं क्या, बट हिज फेस इज डैम सीरियस। सो बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में, क्योंकि ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है, सॉरी बट यही खत्म होता है, लेकिन मिलते हैं कल का गजब चैप्टर में, बाय।